हेलो फ्रेंड्स, 8 से 9 साल बेबी के लिए हम रुमाली घरेलू फ्रॉक कटिंग स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया 2.5 मीटर कपड़ा और ये ताबीज कट करने के लिए जो मैचिंग कपड़ा हमने लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस तरह से दो कट पीस देना है, एक में बैग एक में बॉडी हम कट करेंगे। इस तरह से हमें डबल फोल्ड करने के बाद हम सबसे पहले बॉडी का लंबाई लेंगे 14 इंच, एक 14 इंच में और निशान लगाएंगे और इसे लाइन को सीधा कर देंगे। शोल्डर का चौड़ाई देंगे 4.5 इंच, आर्मोर का लंबाई देंगे 6 इंच, यहाँ से हम चेस्ट का निशान लेंगे 4.75 इंच, यहाँ से कमर का निशान लेंगे 4.25 इंच में, यहाँ से 4.5 इंच का निशान लगाएंगे और ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। यहाँ से हम आर्मोर का गोलाई लेंगे इस तरह से। फिर हम इस तरह से बॉडी का शेप लेंगे हल्का सा और नीचे से हम 1/2 इंच निशान लगाएंगे और नीचे से भी हम बॉडी का हल्का सा राउंड देंगे, राउंड शेप। फिर करेंगे हम चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच, 1.25 इंच पे और एक निशान लगाएंगे और लंबाई रखेंगे गले का 4 इंच, ऐसे निशान लगा कर हम गला गोल कर देंगे। शोल्डर हमारे क्रॉस रखेंगे तो इस तरह से 1/2 इंच हम डाउन निशान लगा देते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम सिलाई का मार्जिन ऐड कर दिया तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए इसे कटिंग कर देते हैं। इसी तरह से आपको आप कटिंग कर देना निशान के ऊपर, अब गोल गला हमारा कट करेंगे हम। तो फिर हम बैक कट करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया हूँ एक कपड़ा जिसमें हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे तो चेन के लिए हमें चाहिए, इस तरह से निशान लगा लेंगे हम। ये वाला चेन का मार्जिन है 1 इंच जो हमने लिया छोड़ा, और हम बैक 1 इंच इस तरह से डाउन रखते हुए हम कटिंग करेंगे सेम, सिर्फ हमें चेन का मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए। और साइड से भी हम इस तरह कटिंग कर देंगे और इधर हम कट लगा देंगे जो हमने जहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन निशान लगाए वहाँ पे, यहाँ पे हमें फोल्ड करके निशान लगाना, ये कट हम यहाँ पे लगाएंगे जो हम ताबीज सेटिंग लगाएंगे इसके लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें हम ताबीज कट करेंगे इस तरह से, हमें डबल फोल्ड करना है कपड़े को और नीचे से हमें 1 इंच में निशान लगाएंगे। अब 5 इंच का हम लंबाई लेंगे ताबीज का और यहाँ से हम 1/2 इंच का चौड़ाई लेंगे, इसे हम निशान इस तरह लगा लेंगे और हल्का सा यहाँ हम क्रॉस इस तरह निशान लगाएंगे और अब इसे कटिंग कर देते हैं। तो फिर हम घेरा कट करें, जिसके लिए घेरे का हमने रुमाली घेरा वाला है तो हमें 38 इंच लंबाई 38 इंच चौड़ाई कट करना है। रुमाली घेरा आप जिस साइज की कटिंग करोगे तो आपको लंबाई या चौड़ाई एक ही रखना है, दो पल्ला इस तरह से आपको कट करना है इस तरह से, दो कपड़ा इस तरह डबल फोल्ड करने के बाद अच्छे से हमें अच्छे से सीरियल फोल्ड अच्छे से घड़ी करना है। इसके बाद एक और घड़ी कर देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड देखिए, हमने 38 इंच लंबाई 38 इंच चौड़ाई इस तरह लिए और हमें 20 से इस तरह से हम जितना हमारे बॉडी का कमर है उतना हम घेरे का हम गोलाई कट करेंगे जो कॉर्नर में कॉर्नर से। तो फिर ये हमारा फोल्ड साइड है, इस तरह से हम इस साइड में हम कट करेंगे कमर का जो गोलाई है। तो फिर यहाँ से हम कोने से निशान लगाएंगे 3-3 इंच पे, ऐसे इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे।
सब कटिंग कर देते। तो फ्रेंड्स सारा हमारा कट के रेडी है, तो चलिए स्टिचिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें बॉडी के हम सेंटर में रख के लगा लेना है, और ताबीज का हमें एक दाब में हमें मोड़ लेना है पहले से। इस तरह से हमें फोल्ड करके एक दाब पे सिलाई लगाना है। अब पॉइंट हमें अच्छे से लेना है, इस तरह हमारा कटिंग है पॉइंट, इस तरह से। तो फिर इस तरह से हमें मोड़ने के बाद हम इस तरह सेंटर में पॉइंट रखकर ताबीज के हम किनारे में सिलाई लगा देंगे, और इस तरह से हमें सेट कर लेना है बॉडी के ऊपर। तो फिर हम बैग रेडी करें, जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया इस तरह से हमें चेन के बराबर इस तरह एक दाब को सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरह से उल्टे साइड में इस तरह फोल्ड कर देना है जो एक्स्ट्रा मार्जिन है। इसको इस तरह से पलटने के बाद हम चेन के ऊपर इस तरह से एक दाब को सिलाई लगा लेंगे। चेन को हम पूरी तरह अच्छे से ढक लेंगे। आपको इतना याद है कि ताकि आपको जो कपड़े में लगाना है चेन से 2 इंच हमें ज़्यादा हमें गैप रखना है। इस तरह से दोनों साइड में हमें चेन को ढकते हुए सिलाई लगा लेना है एक दाब में। तो फ्रेंड ये हमारा देखिए बैग रेडी है। अब हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे, तो दोनों साइड में हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे पहले। इस तरह से हमें दोनों साइड का शोल्डर जॉइंट कर लेना है। तो फिर हम यहाँ पर हाले और गले में हम पेपिंग लगाएंगे, तो जिसके लिए हमने 1.5 इंच चौड़ा पेपिंग कर लिए। और हम सीधे साइड से इस तरह से चेन के पास फोल्ड करते हुए लगाना है। एक दाब पे लगाना हमें, एक दाब हमारा पेपिंग दिखना चाहिए बाहर इसके लिए। इस तरह आपको हल्का से खींचते हुए लगाना है पेपिन को। हमें इस साइड भी इसी तरह हम फोल्ड कर लेंगे जिस तरह हमने स्टार्टिंग साइड में फोल्ड किया है। इस तरह हमें पेपिन अटैच करने के बाद हमें एक इस तरह पलट कर एक दाब का सिलाई लगाएंगे बॉडी वाले कपड़े के ऊपर। तो फिर इस तरह हमें लास्ट में टाकी लगा देना अच्छे से। तो फ्रेंड जिस तरह हमने देखिए इस तरह से हमें एक दाब के सिलाई लगा ली बॉडी के ऊपर, इसी तरह हमें दोनों साइड के हाथे में पेपिन लगा के सिलाई लगा लेना है। इस तरह जिस तरह हमें गले से सिलाई लगाई एक दाब के, इस तरह से हमें हाथे में भी एक दाब का सिलाई लगा लेना है। तो फ्रेंड देखिए हमारा
आलू में पेपिन लगा रखे तैयार है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड का आलू में पेपिन लगा लेना है और हम दोनों साइड में सीधा लगाएंगे आधा इंच मार्जिन रख के। तो फिर दोनों साइड इतना आधा इंच का मार्जिन रखते हैं सिलाई लगाना है। तो फिर बॉडी हमारी रेडी है। इस तरह से हमें घेरा रेडी करना है। देखिए हमारा इस तरह से हमें क्रॉस रखते हुए ये पॉइंट जो हमारा बॉडी के सामने से रहेगा इस तरह जब सिलाई लगाने के बाद आपको इस तरह से फोल्ड करना है जिस तरह हमें फोल्ड कर लिया इस तरह से। और दोनों साइड में इस तरह से हम कट लगा लेंगे जो कि हमारे बॉडी के दोनों साइड में जाएगा जो जिस तरह हम सिलाई है इस तरह से। ये हमारा पॉइंट सामने रहेगा बॉडी का। तो फ्रेंड देखिए हमने सिलाई बॉडी अटैच कर लिया घेरे में और कुछ बटन है जो हम ताबीज के ऊपर लगाएंगे। चलिए फिर लगाते हैं। गम से हम पहले बटन को चिपका लेंगे इस तरह से अच्छे से। दो बटन चिपकाएंगे क्योंकि ताबीज हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं इसके लिए। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। अब वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और शेयर करें।